मोहम्मद इकरामुल हक साहब लिखते हैं कि अगर बंदा किसी मजबूरी के तहत सुन्नत एतिकाफ तोड़ दे तो क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजवाब बिअउनिल मलिकिल वहाब अल्लाहुम्म हिदायतल हक वस्सवाब। रमज़ानुल मुबारक का सुन्नत एतिकाफ अगर किसी वजह से टूट जाए तो सिर्फ़ एक दिन और रात के एतिकाफ की कज़ा करना ज़रूरी होगा और उसमें भी रोज़ा रखना शर्त है। अगर रमज़ानुल मुबारक के दिन बाकी हैं तो उनमें भी कज़ा कर सकता है। अलबत्ता रमज़ान के बाद भी जब चाहे अय्याम ममनूआ यानी ईदुल फित्र, ईदुल अज़हा और ज़िलहज्जतुल हराम की 10वीं-13वीं के अलावा किसी भी दिन एतिकाफ कर सकता है। इन 5 दिनों के रोज़े मकरूह तहरीमी हैं तो इन दिनों में एतिकाफ भी नहीं कर सकता। सदर शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एतिकाफ नफिल अगर छोड़ दे तो उसकी कज़ा नहीं कि वहीं ख़त्म हो गया, और एतिकाफ मसनून के रमज़ान की पिछली 10 तारीख से तारीखों तक के लिए बैठा था यानी आखिरी अशरे के लिए और उसे तोड़ दिया तो जिस दिन तोड़ा फ़कत उस एक दिन की कज़ा करे, पूरे 10 दिन की कज़ा वाजिब नहीं। और मन्नत का एतिकाफ तोड़ा तो अगर किसी मुअय्यन महीने की मन्नत की थी तो बाकी दिनों की कज़ा करे, वरना अगर अलल इत्तिसाल वाजिब हुआ था तो सिरे से एतिकाफ करे, अगर अलल इत्तिसाल वाजिब ना था तो बाकी का एतिकाफ करे। बहार शरीयत जल्द अव्वल हिस्सा 5 सफ़ा नंबर 1028। अल्लाहु आलम अज़्ज़ वजल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आला आबाहि व आलिही व असहाबिही व अज़्वाजिही व ज़ुर्रियाती व बारिक।